स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से केवड़िया में की मुलाकात। पीएम मोदी कल सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आप और केजरीवाल विज्ञापनों के जरिए चला रहे हैं सरकार। रियान स्कूल मर्डर केस में आरोपी किशोर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार करेंगे ग्रहण। प्रयागराज में डेंगू का आतंक, आरएसएस की बैठक में शामिल होने आए 3 कार्यकर्ता हुए संक्रमित। प्रयागराज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी, करीब 1 घंटे तक हुई वार्ता, जनसंख्या नियंत्रण नीति पर हुई चर्चा। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर आरोप तय। हिमाचल चुनाव में बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की। हिमाचल कांग्रेस में शामिल हुए चैतन्य शर्मा, गरगढ़ से चुनाव लड़ाएगी पार्टी। गुजरात चुनाव में आपने 20 उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन, पनवेल में बैठक करते पीएफआई के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, अक्टूबर महीने की सैलरी दिवाली से पहले मिलेगी। मध्य प्रदेश में पटाखों के गोदाम में ब्लास्ट, पूरा मकान ध्वस्त होने से कई लोग मलबे में दबे। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई को खुफिया जानकारी देता था सेना का जवान, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गुजरात में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.5 मापी गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।